गॉसिप गोट की अगली कड़ी माफ करो महाराज। 22 जुलाई को राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ लिया। शपथ लेने वालों में मध्य प्रदेश के दिग्गज दिग्गी राजा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। दोनों ही राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं मध्य प्रदेश से, परंतु पार्टी दोनों की अलग अलग है। राजनीति में परिस्थितियाँ कितनी तेजी से बदलती हैं आप देखिए। जब राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था तो दोनों ही दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तारणहार थे। चुनाव आते तक दोनों अलग अलग हो लिए। अलग अलग होने में भी राज्यसभा की दावेदारी ही प्रमुख कारण रहा। यह कारण इतना प्रमुख रहा कि कमलनाथ की बहुमत वाली सरकार भी चरमरा कर गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के हो लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ भाजपा के हुए वरन अपने साथ 2 दर्जन से अधिक विधायक भी साथ ले गए। राज्यसभा के लिए सांसद भी बीजेपी से चुन लिए गए। दोनों एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं। ऐसी ही परिस्थिति में संसद में 22 जुलाई को दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। दोनों के अभिवादन का फोटो खूब वायरल हो रहा है। महाराज ने पहले हाथ जोड़कर अभिवादन किया, राजा जी ने तुरंत अपने हाथ जोड़कर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। लेकिन चर्चा है लोगों में कि यह अभिवादन है, प्रणाम है, माफ़ी है या अलविदा। आपको याद होगा ना, माफ़ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज।